हरियाणा में टिकटों को लेकर बीजेपी की आज बैठक होने जा रही है, तो अमित शाह के साथ ये बैठक होगी। शिव मनोहर लाल, सुभाष बराला भी इसमें मौजूद रहेंगे, तो अनिल जैन, सुरेश भट्ट भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आज अमित शाह से जो है ये बैठक उनके साथ रहेगी। तो हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में टिकटों को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में वो पेच फंसा हुआ है, और इस हमारे संवाददाता जयदीप राठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। जयदीप, कांग्रेस में ही नहीं बल्कि अगर बीजेपी की बात करें हरियाणा में, तो वहां पर भी टिकटों का जो बंटवारा है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, विवाद जो है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है, और आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है अमित शाह के साथ। बिल्कुल, देखिए टिकटों को लेकर बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, और अब की बार सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि टिकटों को लेकर माथापच्ची किसी पार्टी को करनी पड़ रही है तो वो बीजेपी को ही करनी पड़ रही है। बीजेपी सत्ता में है हरियाणा के अंदर, और एक बार फिर दूसरे दलों से जो बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, तो ऐसे में बीजेपी में दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। और इससे पहले भी 4 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश प्रभारी थे, चुनाव प्रभारी थे, तमाम लोगों ने जो है मीटिंग की थी टिकटों को लेकर। आज जो है आखिरी इसको मंथन कहा जा सकता है क्योंकि अमित शाह जी के साथ अभी जो है मीटिंग होगी आज दोपहर बाद, उसमें खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, और अभी हरियाणा भवन के अंदर अगर बात करें तो बीजेपी हरियाणा के तमाम बड़े नेता, चाहे कृषि मंत्री की बात करें, शिक्षा मंत्री की बात करें, उसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद और हो सकते रमेश कौशिक सांसद और सोनीपत से कृष्ण पाल गुर्जर है जो केंद्रीय मंत्री है, तमाम लोग जो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हुए हैं और बातचीत का लंबा दौर चला हुआ है। तो बिल्कुल ये आखिरी मंथन कहा जा सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आज जो लिस्ट होगी या जो दावेदार हैं उनके जो नाम है वो अमित शाह के सामने रखे जाएंगे। आखिरी फैसला आज जो है बीजेपी की तरफ से टिकटों की दावेदारी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।